अगली टॉपिक जो आती है, अभी अभी हमने मल्टीपल लुकअप, मल्टीपल वैल्यू लुकअप करने के लिए हमने अभी दो स्टेप को देखा। पहला स्टेप देखा फिल्टर फॉर्मूला, जिसके कारण से सारे के सारे लिस्ट आ जाती है। दूसरा हमने देखा कि हम टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला, जहां पे सारे फॉर्मूले को हम कॉमा, सारे रिजल्ट को कॉमा करके ला सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला या फिल्टर फॉर्मूला, ये आपके लेटेस्ट एक्सेल में है, 2013 में, 16 में, या उससे जो लोअर वर्जन है, 7 है, 10 है, उसमें अवेलेबल नहीं है। अब मान लीजिए कि वहां पे मुझे ऐसा करना है कि मैंने यहाँ पे नेम दिया, और मुझे यहाँ पे अगर मैंने पूजा लिख दिया तो पूजा की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जानी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करते थे कि सबसे पहले तो कॉलम को इंसर्ट करते थे, इंसर्ट करने के बाद फिर फॉर्मूला लगाते थे हम काउंट इफ का। काउंट इफ में हमने क्या किया, पूजा से पूजा कॉमा पूजा, बीटू से बीटू कॉमा बीटू। ऐसा करने के पीछे रीजन था, मैं बताता हूं। मैं पहले वाले वीडियो को फ्रीज कर दिया और फिर इसको नीचे की तरफ ट्रैक किया। तो मैंने ऐसे इसलिए किया कि जितने भी नाम है सबको एक सीक्वेंस मिल जाए। जैसे अगर मान लीजिए करेक्ट, मैंने यहाँ पे, अगर मान लीजिए अजीत को सिलेक्ट किया, तो वो आप सीक्वेंस देखेंगे मिल जाए। पहला अजीत, दूसरा अजीत, तीसरा अजीत आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है, जैसे यहाँ पूजा है, तो हमने क्या किया कि जब फॉर्मूला लगाया B2 से B2 कॉमा B2, मतलब कि जहां फॉर्मूला लगा है वहीं पे, पहले वाले B2 को फ्रीज करने से फायदा हुआ, जब हम ड्रैग किए तो B2 फिक्स रहा, B4 हो गया, मतलब जहां फॉर्मूला लग रहा है वो अपने से ऊपर में चेक कर रहा है कि कितना बार आ चुका है, इससे नीचे ये आया हुआ वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे क्या हुआ कि आपका काउंटिंग की तरह, सीक्वेंस की तरह, काउंटिंग की तरह आएगा। जैसे यहां पे फॉर्मूला करेक्ट, लगा तो एक हाथ क्या है, B2 से B14, बी से बी टी, B2 से B14 में पहला, दूसरा पूजा और तीसरा पूजा, ऐसे तीन आया, समझे। करेक्ट, तो हमने क्या किया, जितना जितना बार रिपीट हो रहा है उतना हमने सीक्वेंस दे दिया। अब हमने क्या, हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम करेंगे कॉनकेट, यहां पे आएंगे और &% लगाएंगे और वापस डैश दे दिया है सेपरेशंस के लिए, और सिलेक्ट किया पूजा को और नीचे की तरफ ड्रैग किया, वन पूजा, वन मोहन, टू पूजा आ गया। करेक्ट। अब मैं यहां पे एक बार काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के चेक करूंगा कि पूजा आखिर है कितना बार, इसमें हाँ, कर सकते हैं, 68 टाइम। 68 बार है। तो मैंने यहां पे मैनुअली वन लिखा और यहां पे इफ का फॉर्मूला दूंगा कि ऊपर वाली वैल्यू वो नहीं, प्लस वन करने पे ग्रेटर देन 68 है तो ब्लैंक, अदरवाइज प्लस वन करो। ठीक, अब ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था, हमें 68 टाइम सीक्वेंस को कंटिन्यू करना है, ठीक है नॉर्मल 68 तक भी तो कर सकते थे। क्या, नॉर्मल तरीके से 68 तक ले सकते थे ना लेकिन प्रॉब्लम वही सर। होगा ना कि यहां पे नाम चेंज होगा तो। करेक्ट, नाम वहां चेंज होगा तो उसका 68 का 70 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है। जी, ओके, तो यहां पे हम ऐसे, नीचे ड्रैग करने से पहले I6 को हम फ्रीज कर देते हैं I6 को फ्रीज कर दिए। और नीचे के, अरे इसमें इफ एरर आने के चांसेस है, इसमें इफ एरर लगा देते हैं। तो सीक्वेंस बना लिया, जितना नाम होगा उतना में नीचे तक एक बार ड्रैग कर देते लंबा, लेकिन सीक्वेंस 68 टाइम तक ही बना। अब राइट, यहां जो यूनिक वैल्यू है वो सीक्वेंस नंबर और उसका नेम के साथ कंबाइन है,
तो यहां भी लुकअप लगाएंगे तो नेम के साथ उसका सीक्वेंस नंबर को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, ले लेंगे राइट। हाँ, और फिर डेटा को 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 नहीं होगा, 3, 2 से होगा, 1 तो 3 आईडी है ना, 2, 3, 4, 5, 6, बस हो गया। अगर डेटा सर आ गया, अब इसमें इफ एरर के चांस, इसमें एरर आने के चांसेस है, नीचे ब्लैंक एरर होगा ना सर। करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे एरर के लिए हम यहाँ पे ब्लैंक डाल देते हैं, एरर आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, पूरा पूजा का 68 वैल्यू नंबर्स तक आ जाएगा सर। कर दिया। अब इस सॉरी, हाँ, ये पूजा H8 H6 को फ्रीज करना था हमें। ठीक है, ओके, हम एक काम करता हूँ, नाम वो एक दूसरा नाम लिखता हूँ, आर के। अब यहां जैसे मैं ऊपर आर के करता हूँ तो तीन बार आर के आ रहा है। करेक्ट करेक्ट, सब इंटरलिंक्ड हो गया। आर के मैं बढ़ा देता हूँ तो आ गया, करेक्ट, बढ़ाऊंगा तो आ जाएगा, और घटा दूंगा तो घट जाएगा। ये सब बैंक वैंक में यूज होता होगा बहुत, क्योंकि राके मतलब नाम के अकॉर्डिंग बहुत सारा अकाउंट होता होगा बैंक में। नहीं, जैसे ये होता है इसका यूज, जैसे मान लीजिए जैसे कि आपका सेल्स ही है, मान लीजिए ना सेल्स है, तो हम लोग ऑफिस में थे तो हम लोगों का एक पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट बनती थी। क्या होता था कि पूरे महीने में हर पर्सन का जो भी सेल्स होती थी, ओके, उसकी एक अलग उसकी एक हमें प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन करवाना होता है, क्योंकि हमें उसको बैंक भेजना होता, सेल नहीं होता था वो, कलेक्शन होती थी, हमें बैंक भेजना पड़ता था इंसेंटिव वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, जितने बंदे होते, जितने हमारे फील्ड एग्जीक्यूटिव होते थे, उतने पेज आउट प्रिंट आउट निकलते थे, और वो लोग प्रिंट आउट को लेके और फिर बैंक ब्रांच पे जाके अपना इंसेंटिव क्लेम करते थे। तो मेरे पास जो डेटा होता था पूरा कलेक्शन का डेटा होता था, ओवरऑल डेटा होता था, कस्टमर वाइज होता था। अब उसमें से क्या होता था, एक एक बंदे का रिपोर्ट निकालना होता था, तो हम इसका यूज करते थे। ठीक है, ठीक है। दूसरा हमने एक और सॉफ्टवेयर बनाया था, इसका एक लोन का सॉफ्टवेयर बनाया था, लोन लोन इसका एक आई लोन टाइप का, उसमें इसका यूज किया था। आई लोन